Hi friends, welcome to my YouTube channel, and my channel name is Civil with Sudhir and myself Sudhir Jirobe. Friends, आज के इस वीडियो में मेरे जो भी सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के, वो लास्ट टाइम मैंने DFCCIL का लास्ट मंथ में उसका नोटिफिकेशन डाला था. सो उस नोटिफिकेशन में सभी जो भी पोस्ट दिए उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न प्लीज और अपलोड कीजिए बोल के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर को. तो उनके लिए ये वीडियो है और जो भी ये एग्जाम पढ़ रहे हैं उनके लिए है. फर्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना चाहिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी उसका टॉपिक्स है, राइट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, सेपरेट सभी को सेपरेट क्वेश्चन पेपर रहेगा और क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा और क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा. सो सभी पूरा आज इस वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ फ्रेंड्स. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए फ्रेंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये नोटिफिकेशन है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रेलवे का एक कंपनी का, रेलवे का अंडर काम करता है. तो उसी के ये जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें टोटल देखिए तीन पोस्ट का जो निकला था, फॉर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव के लिए, सेकंड जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए और थर्ड जो है MTS दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए. तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट देखते हैं. फॉर एग्जीक्यूटिव टेस्ट पैटर्न, ये टेस्ट पैटर्न जो है 16 में जो जब एग्जाम हुआ था, राइट, सो सिविल एग्जीक्यूटिव में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, राइट. सो उसमें यहाँ पे चेंजेस उन्होंने कर दिया है. लास्ट टाइम जो एग्जाम किए थे 2016 में जब टोटल मार्क्स था 100 मार्क्स का, बट इस टाइम उन्होंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है मार्क्स और क्वेश्चंस को भी, राइट, 120 क्वेश्चंस कर दिया है. उस 120 क्वेश्चंस में 96 क्वेश्चन जो भी होगा आपका कोर सब्जेक्ट, जो भी आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल जो भी रहने दो, उसके ऊपर आपको 96 क्वेश्चंस आएंगे, ताकि दैट इज टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, राइट, सब्जेक्ट रिलेटेड. और जो भी नेक्स्ट 120 में जितना भी क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस है उसमें देखिए जनरल नॉलेज का 12 क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग 12 आएगा. और इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से पॉइंट्स को आपको याद रखना है और क्या क्या आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. और ये इसका एग्जीक्यूटिव टेस्ट पैटर्न में इसका जो पेपर है ये 120 मार्क्स का रहेगा और इसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स, राइट. ये रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट रहेगा, राइट, ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, राइट. चलिए नेक्स्ट सेकेंड वन को चलते फ्रेंड्स. फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ टेस्ट पैटर्न, राइट, जूनियर एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोनों के लिए जो टॉपिक है स्टडी, जो पैटर्न है वो सेम है, बट एग्जाम जो रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा चेंजेस रहेंगे, बिकॉज मल्टीटास्किंग में थोड़ा डिग्री के ऊपर जो भी अप्लाई करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन को वो पैटर्न के हिसाब से डिवाइड करेंगे. बट यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है कि रिटर्न टेस्ट में यहाँ पे आपको पूरा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, राइट, उसका उसमें अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, राइट, और जनरल साइंस एंड टेक्निकल एबिलिटी, ये सभी का पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे में है, मैं आपको बोल दूंगा. राइट, यहाँ पे देखिए ये पूरा 120 क्वेश्चंस का है. ओके, लास्ट ईयर जो 2016 में हुआ था तब ये 100 क्वेश्चंस का था, अभी ये 120 का हो गया है, तो 2 आवर्स का ये ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम. चलिए फ्रेंड्स ये तीनों का फर्स्ट आपको एग्जाम का पैटर्न और ड्यूरेशन और मार्क्स आपको बोल दिया हूं मैं, राइट. अभी चलिए फ्रेंड्स इन डेप्थ आपको जो भी जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, राइट, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है मैं यहाँ पे बोलता हूँ, राइट. चलिए फर्स्ट देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, राइट, इंडिया एंड वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी वॉर्स हुए थे उसके बारे में, जो भी हुए थे उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, और इम्पोर्टेंट डेट को भी आपको याद करना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट संविधान को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सेकेंड हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट. लोकसभा, राज्यसभा कितने मेंबर्स है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, राइट, और पावर के ऊपर, PM का पावर क्या है, गवर्नर का पावर क्या है, ये सभी आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे, राइट. सो नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट, एंड नेक्स्ट अबाउट इंडिया. अबाउट इंडिया में आपको पढ़ना है कि ज्योग्राफी आएगा उसमें, राइट, हिस्ट्री आएगा, सब कुछ आएगा, राइट. तो ये एक GK के जैसा क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अगर आप इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट इसमें से आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए इसको, राइट, बट यहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लीजिए, राइट.
नेक्स्ट है आपको इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। नेक्स्ट ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, ओके, इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में और वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में, राइट, उसके बारे में एक दो, आपको एक 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। नेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज, जो भी हेरिटेज बोलते हो, हर एक स्टेट का अलग अलग हेरिटेज रहेगा, लाइक ए फोक डांस और एनीथिंग, राइट, उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ओके, इसके ऊपर जो हिस्ट्री, पूरा इंडिया का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन टफ नहीं पूछेंगे, बट आपके जो भी कॉमन सेंस है और बेसिक नॉलेज है आपको यहाँ पे टेस्ट करेंगे, राइट। डे टू डे यूज जो भी आप करते हैं साइंस, उसको ही यहाँ पे एक प्रॉपर क्वेश्चन में रख के वो क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके बारे में आपको थोड़ा सोच के उसका आंसर देना है फ्रेंड्स, राइट। सो ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फॉर अर्थमेटिक एबिलिटी, राइट, आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, राइट, बट ये बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में बहुत ही टॉपिक्स लग रहे हैं, जब आप मैथमेटिक्स में थोड़ा तो अच्छा है तो एवरेज है तो भी बस आपको ये आराम से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, ओके, सो नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे तो एक दो तीन तो क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, सो ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको क्वेश्चंस ऐसा देंगे, एक बंदा ने ऑलरेडी बैंक में अमाउंट अप्लाई किया है 10 ईयर के बाद, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछ के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। सो ये आपको याद रखना है कि सिंपल और कंपाउंड की इंटरेस्ट के ऊपर आपको प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करके, और इसके लिए आपको लास्ट ईयर का MTS का क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लीजिए, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के लिए MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ और स्टेशन मास्टर के जो भी RRB के क्वेश्चंस हुए उसको फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, उसमें ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड वर्क वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, ये ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन जो पूछेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। एवरेज, ओके, ये एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HCM एंड LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर, एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ओके, प्रॉब्लम ऑन एजेस, डाटा इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक एबिलिटी, ये जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे दिया हूँ ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे इसके ऊपर आएंगे और बहुत ही सिंपल रहेंगे फ्रेंड्स, एक ही स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, राइट। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बोल देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है ये सभी जनरल नॉलेज और जनरल रीजनिंग। नेक्स्ट चलते हैं जनरल मैथ्स के ऊपर, राइट। सो जनरल मैथ्स जो है ऑलमोस्ट इसका और इसका दोनों सेम है, राइट, अर्थमेटिक एबिलिटी और इसका दोनों जो भी है सेम है, बट यहाँ पे आपको टॉपिक चेंज करके MTS को और एग्जीक्यूटिव को बोल के दोनों सेपरेट किए तो आप ये सेम ही है, राइट। नेक्स्ट डे किए यहाँ पे है DFCCL जूनियर एग्जीक्यूटिव सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, राइट। सो ये भी आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस उन्होंने किया है, ये थोड़ा लो लेवल का रहेगा, बिकॉज जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी है, एग्जीक्यूटिव जो भी है डिग्री वालों को रहेगा, वो ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर को भी रहेगा, बट उसका जो लेवल है इसका जूनियर एग्जीक्यूटिव का लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको टॉपिक देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा, नंबर सीरीज है, मिरर इमेजेस, जो भी आप SSC JEE में और RRB JEE में जो एग्जाम लिखते हैं पूरा उसी का पैटर्न यहाँ पे है फ्रेंड्स, ओके। अगर आप SSC JEE भी प्रिपेयर करेंगे तो इसको आप आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे देखिए आपको थर्ड वन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, ये तो बहुत ही इजी है, डिसीजन मेकिंग, राइट, डिसीजन मेकिंग में आपका कॉमन सेंस चेक करेंगे, राइट। अल्फाबेटिक सीरीज, ओके, अल्फाबेटिक सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ द मिरर इज रिटन एज XYZ YZ YZ देन इन द सेम कोड, ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट। सो वैसा क्वेश्चन आने के बाद ये सेम SSC JEE का पैटर्न आएगा, राइट। सर नेक्स्ट देखिए क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शंस, ओके, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पे जाने के बाद नॉर्थ को टर्न हुआ, साउथ को टर्न हुआ, राइट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्शंस में। नॉन नॉर्मल सीरीज में, राइट, नेक्स्ट क्यूब्स एंड डाइज है, ये क्यूब्स डाइज तो आपको फिगर्स देंगे, उसको देख के आपको क्या करना है, जस्ट उसको आइडेंटिफाई करके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, नंबर ऑफ टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में कितना दिख रहा है वो पूछते हैं, राइट। नेक्स्ट है एनालॉजी, अर्थमेटिकल रीजनिंग,
राइट, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस देंगे इसमें से, बट आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप एसएससी जेई का जो भी रीजनिंग आप पढ़ते हैं राइट, इसके लिए आप अग्रवाल बुक भी रेफर कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को बोल दीजिए, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा वो रीजनिंग के जो भी एसएससी जेई के वो पूरा सॉल्व करके डाल दूंगा। और जो भी आपको कमेंट्स, जो भी आपको वीडियो चाहिए प्लीज मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड रिलेशन नंबर रैंकिंग एम्बेडेड फिगर्स राइट। सो ये है पूरा इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग राइट। सो चले फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, अच्छा सुन लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सिलेबस लेके आ रहा हूँ सिविल एग्जीक्यूटिव का। ओके, मेरे वीडियो को प्लीज कमेंट लाइक शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स है एस्पिरेंट्स है, उनको ये हेल्प हो जाएगा राइट। नेक्स्ट वीडियो मेरे सिविल एग्जीक्यूटिव का सिलेबस के ऊपर विथ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। थैंक यू, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।